मॉर्निंग और ये जिम कॉर्बेट की हमारी जो है लास्ट डे है और आज जो है पूरी तैयारी हो गई है निकलने की और 4 दिन हो गए। काफ़ी ज़्यादा ये टूर जो है ग्रुप टूर काफ़ी बेहतरीन रहा, बहुत इन्जॉय हुई है पूरी ग्रुप में। और आज बस अब ब्रेकफास्ट करके और ब्रेकफास्ट करने के बाद अपनी वापस दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो बस आज मैं यही शेयर करने वाला हूँ कि कैसे कैसे जाएंगे और रूट तो लगभग वही रहेगा जिस रूट से आए हैं, वो नाइट वाला था और आज डे वाला रहेगा क्योंकि ब्रेकफास्ट करने के बाद हमें चेकआउट कर लेना है 10:30 बजे तक। प्रॉपर्टी ज़बरदस्त थी, बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार प्रॉपर्टी है। हाँ आओ आओ आओ, कोई किसी चीज़ की जो है कभी प्रॉब्लम आई नहीं 4 दिनों में और क्या शानदार रहा। इतनी बड़ी टीम होने के बाद भी किसी के ज़बान से जो है ये नहीं निकलता है कि भाई मुझे ये चीज़ की कमी रह गई है। और बुधराम जी नहा लिया? बस बस रेडी है, पैक है, सामान बाहर निकालने हैं बस। है सब हो गई है, सबकी तैयारी हो गई है, हमारी अपने अपनी टीम की रेडी हो गई सर, हो गई है पूरी तैयारी हो गई है। अब हम लोग जाने की तैयारी करें, बस नाश्ता बाकी है, बस नाश्ता बाकी रह गया हमारा, नाश्ता हो गया बाकी, नाश्ता करवा दे बस जल्दी से। अगर बैक टू दिल्ली पपीता ये सलाद, ये क्या है? अच्छा बनाना शेक, ये दलिया और ये सेवैया उपमा, ये छोले, मुझे लग रहा है भटूरे होंगे। हाँ भटूरे आ रहे हैं, भटूरे भी आए हैं, बड़ा सांभर चटनी है और ये ब्रेड, बाकी सारी चीज़ें कॉर्नफ्लेक्स यहाँ है, कॉफ़ी, अच्छा मिल्क यहाँ है, दूध यहाँ है। राजेश भाई इतनी जल्दी लग गए? अभी अभी तो तुम वहाँ मेरे साथ थे? नहीं नहीं, अच्छा ये सिंपल इडली, वो क्या नाम है, सांभर वड़ा बोलते हैं बेसिकली। मैं सही है, करो तब तक मैं अभी लाइट रहेगा अभी। सारा लगेज कंप्लीट बस में रख दिया है, ग्रुप फोटो सेशन हो गया है और चेकआउट का सारा जो भी हिसाब किताब वो कंप्लीट हो गया। फाइनली जो है रिजॉर्ट को बाय बाय कर दिया और बस में सारी जो है जनता बैठने की बिल्कुल तैयार है। रामनगर का एरिया है ये। और कमाल भाई बताओ क्या रहा, कैसा ट्रिप रहा? ट्रिप शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, फुल मजा आया, फुल एंजॉयमेंट आया ना, मजा। काशीपुर, काशीपुर जो है ना थोड़ी सी रोड की चौड़ाई कम है और बसावट मार्केट के अंदर से जो है निकलना होता है तो थोड़ी सी बड़ी गाड़ियों के लिए तो दिक्कत है, बाजारों से मतलब थोड़ा स्लो चलना पड़ता है। देख रहे पूरी मार्केट है, नगर से आगे निकल गए हैं और क्या मुरादाबाद की तरफ बढ़ रहे हैं। मुरादाबाद अभी थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रैफिक नहीं है, बहुत हैवी ट्रैफिक नहीं है।
ठीक है, एक नॉर्मल स्पीड से हमारी बस जो है चल रही है। ये देखिए थोड़ी बहुत ट्रैफिक है और रोड अब जो है यहाँ आगे थोड़ा सा ठीक है, लेकिन इससे आगे मुरादाबाद के पास जो है वो खराब मिलने वाला है। मुरादाबादी बिरयानी, मुरादाबाद में रुके हैं तो मुरादाबादी बिरयानी खा लिया लंच में। अब आगे कहीं चाय के लिए रोकेगी गाड़ी तो वहाँ पे चाय पी लिया जाएगा और टाइम लगभग 1:30 बज गए। बूंदा बूंदी बारिश हो रही है। काम हो रहा है इसकी वजह से पार्टीशन दे रखा है, डाइवर्सन कर दिया है ना। अच्छा बीच में कुछ खराब है जिसकी वजह से रिपेयर हो रहे हैं। शिवा ढाबा यहाँ पे रुके हैं, लोग चाय वाय पियेंगे, मौसम बारिश हो रहा है, चाय पकौड़े का मामला चल सकता है अभी। ये जी आ गई जी चाय और मिक्स पकौड़े, हो जाएगा ले आए भाई। पकौड़े गर्म है ना? हाँ बिल्कुल गर्म। हाँ तो बस फिर गर्म है तो कोई दिक्कत नहीं है, मौसम भी बन रहा है पकौड़े वाले। आपने सुबह क्या नाम है 108 चाय और पकौड़े, बढ़िया था इसका चाय बढ़िया था। अब बस 5 मिनट में हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, अब कहीं रुकना नहीं है। अब तो अपनी मंजिल पे हम पहुंच गए हैं। अच्छा हम कैसा रहा पूरा फुल टूर? बहुत ही अच्छा रहा, ऑसम रहा और मजा आ गया। और लास्ट में अभी आते आते बारिश भी आ गई। बारिश छोड़ो वो तो है, कैसा रहा? मजा आ गया पूरी टीम को। कैसा रहा सियाद भाई टूर? फाइनली हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए। 5 दिन का ट्रिप था नैनीताल का और जिम कॉर्बेट का, ऑसम हमने मजे लिए और एंड हो गई जहाँ से शुरू किया था जर्नी, बिल्कुल वहीं पहुंच गए। अब करते हैं इस ब्लॉग को एंड। अगर अच्छी लगी है वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।